जय हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेज़ रूल बच्चों फेज़ रूल जो होता है ये डिग्री क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी होता है ट्वेल्थ क्लास तक इसका कोई मतलब नहीं है तो डिग्री क्लासेस के लिए टॉपिक है तो आइए जानते हैं क्या होता है फेज रूल In 1874, American scientist Willard Gibbs explored the effect of pressure, concentration, temperature change on a heterogeneous system in equilibrium by means of a diagram. बच्चों 1874 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट विलर्ड गिब्स हुए थे जिन्होंने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर प्रेशर कंसेंट्रेशन टेम्परेचर चेंज से होने वाले इफेक्ट को एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था ये डायग्राम जो था ये फेस डायग्राम कहलाया था और ये प्रैक्टिस कहलाई थी फेज रूल क्या ये आपको क्लियर है क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर जरूर करेंगे अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इक्लिब्रिम प्रोसेस है आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सोलड इज इन इक्लिब्रिम विद कैल्सियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस यो टू गैस यहां पर इस हैट्रोजीनियस इक्लिब्रियम सिस्टम के अंदर अगर आप प्रेशर कंसंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्लिब्रियम जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेगा जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली चेटलियर प्रिंसिपल जैसा कि आप इक्लिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए पर यहां पे आपको इक्लिब्रियम नहीं लगाना है यहां पे आपको फेज रूल लगाना है यानी कि जब आप प्रेशर कंसंट्रेशन या टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो इक्लिब्रियम के अंदर कैसे चेंज आते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से यहां पे क्लियर है और ये कंसेप्ट कहलाता है फेज रूल और वो डायग्राम कहलाएगा फेज डायग्राम फॉर द हाइड्रोजीनियस इक्लिब्रियम सिस्टम मैथमेटिकली फेज रूल इज स्टेटेड एज एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस बच्चों फेज रूल को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से हम लोग डिफाइन करते हैं एफ इज इक्वल टू अब बिल्कुल सही सवाल है आपका कि एफ एफसीपी होता क्या है तो ध्यान रखिएगा एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सी कंपोनेट होता है पी नंबर ऑफ फेजिज ऑफ द सिस्टम होता है अब यहां पर जब क्वेश्चन जेनरेट होता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट नंबर ऑफ फेजिस पहचानना जरूरी है अगर आप इसको प्रॉपरली पहचान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है लेकिन एनी हाउ अगर आपने ढंग से नहीं पहचाना तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा तो ऐसी नोबत ना आए उसके लिए हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन क्लियरली समझ लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी में तो टर्मिनोलॉजी में आइए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी में पहले हम लोग लेंगे फेज फेज को हिंदी में प्रावस्था भी कहते हैं एनी होमोजीनियस पार्ट ऑफ सिस्टम हैविंग थ्रू आउट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम जो सिस्टम का कोई भी होमोजिनियस पार्ट जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी रहती है उसको कहते हैं फेज अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन और भी बनती है उसको आइए जान लेते हैं यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन इक्विब्रियम बच्चों इक्विब्रियम के अंदर सिस्टम का यूनिफॉर्म पार्ट जो होता है वो फेज कहलाता है यहां पर यूनिफॉर्म और होमोजनियस का मतलब है एक जैसा तो अगर आप सिस्टम का कोई पार्ट ले रहे हैं और वो आपको एक जैसा दिखाई पड़ता है तो वो पार्ट कहलाएगा सिंगल फेज और अगर आपको वहां पर एक से ज्यादा चीजें दिखाई पड़ रही है तो वो कहलाएगा मैनी फेज सिस्टम सिस्टम में है वन और मेनी फेज जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम के अंदर एक या एक से ज्यादा फेज भी हो सकती है डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है अब बच्चों बड़े काम का नोट है ये इसको ध्यान रखिएगा मैं आपसे आगे पूछूंगा जरूर मोजीनियस सिस्टम कंटेन्स वन फेज वाइल हेट्रोजीनियस सिस्टम फॉर एग्जाम्पल बच्चो ध्यान रखिएगा जो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं उनमें सिंगल फेज होती है जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा फेज होती है होमोजिनियस का मतलब होता है होमोमिन सेम जीनियस माने फेज सिंगल फेज सिस्टम और हेट्रोमाने होता है मैनी और जीनियस माने होता है फेज तो क्लियर हुआ होमोजीनियस का मतलब है कि जो भी चीज आपने ली है अगर वो आपको एक जैसी दिखाई पड़ रही है आप उसको देख के उसके अंदर प्रेजेंट चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं तो वो होमोजेनियस कहलाता है लेकिन जब आप किसी चीज को देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी चीजें कितने सारे कंपोनेंट हैं तो वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस बच्चों मान लीजिए आपके सामने ग्लास में पानी भरा हुआ है तो आप आंख से देख के बताइए उस ग्लास के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ेगा सही जवाब उसके अंदर सिर्फ आपको पानी दिखाई पड़ेगा तो ऐसा सिस्टम कैसा होगा ये कहलाएगा होमोजीनियस क्योंकि उसके अंदर केवल पानी दिखाई दे रहा है कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है सिंगल फेज है वहां पर लेकिन अगर वहां पर आप उसके अंदर कुछ दाल के दाने डाल देते हैं क्या बोला मैंने दाल के दाने डाल देते हैं पानी के अंदर तो जब आप ऐसे ग्लास को देखोगे तो उस ग्लास के अंदर आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी जिनको आप आंख से देख के पहचान सकते हैं एक होगा वहां पे पानी और दूसरा होगा दाल के दाने तो आपने देखा कि वहां पर एक से ज्यादा चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं तो यह सिस्टम कहलाएगा हाइट्रोजीनियस और इसके अंदर फेज होंगी दो क्या आपको क्लियर है आगे बढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल लेंगे प्योर सब्सटांसिस का दे आर मेड अप ऑफ वन केमिकल सब्सटैंस और कंपाउंड सो इट इज कंसिडर्ड एज वन फेस सिस्टम एग्जाम्पल आइज एज ए ब्लॉक और इन मैनी पीसीज कंसिडर एज वन और सिंगल फेस सिस्टम बच्चों ध्यान रखेगा अगर आपके पास कोई प्योर कंपाउंड है तो उसके अंदर सिंगल फेस होगी मान लीजिए आपके पास आइस का एक बड़ा टुकड़ा है और दूसरे आपके पास छोटे छोटे आइस के पीसीज़ हैं। तो आप बताइए कि जो आइस का बड़ा ब्लॉक है उसमें कितनी फेज होगी और जो आइस के छोटे छोटे क्यूब हैं आपके पास पीसीज हैं उसमें कितनी फेज होगी तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आपके पास आइस का बड़ा टुकड़ा हो या आइस के छोटे क्यूब या पीस हो दोनों में आप देखिए कि आइस जो है वो बना हुआ है वॉटर से और जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो एस टू ओ होता है यानी दोनों के अंदर वाटर है और वाटर के अलावा और कुछ नहीं है तो यहां पर ये सिस्टम जो है चाहे वो आइस का बड़ा ब्लॉक हो या आइस के पीसीज हो ये कहलाएगा आपका होमोजीनियस सिस्टम तो ध्यान रखिएगा प्योर सब्सटेंस अगर आपने लिया हुआ है तो प्योर सब्सटेंस की जो फेज होती है जिससे वो मिलकर बना होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो एक जैसी होती है केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो वो कंपाउंड वो सिस्टम कहलाएगा आपका सिंगल फेज क्लियर है आपको मैं और एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेज Mixture of gases is homogeneous due to their free mixing. Example mixing of N2, O2, S2, and so on. Gases is one phase system. बच्चों जो गैसेस होती हैं उनका अगर आप मिक्सचर ले रहे हैं तो गैसों का मिक्सचर होमोजीनियस इन नेचर होता है एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग बात करें कि आपके पास एक सिलेंडर है उसके अंदर आपने एन टू ओ टू एस टू या कोई और भी गैस आप मिक्स कर सकते हैं तो आप बताइए कि ये जो गैसियस मिक्सचर होगा ये कैसा होगा ये होमोजीनियस होगा और ये कहलाएगा सिंगल फेज अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए आप आपने एयर को देखा है कभी एयर को अगर बात करें तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स रहती हैं। जी हाँ सही कहा आपने एन टू ओ टू एस टू सी एल टू टू है ना बहुत सारी लंबी लिस्ट है जी तो वहां पे क्या कोई ऐसा बाहुबली है जो उन गैसों को आंख से देख के अलग अलग कर दे कर सकता है क्या नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि जो गैसों का मिक्सचर होता है जी वो होमोजीनियस होता है होमोजेनियस मीन सिंगल फेज होता है वहां पे कोई भी आंख से देख के उनको अलग नहीं कर सकता है और यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको होमोजीनियस हैोजीनियस कि भाई जो भी चीज आपने ली है वो जो चीज आप जिसके ऊपर आप स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सिस्टम कहलाता है ठीक है ना जी तो अगर आपके पास जो भी सिस्टम है अगर वो होमोजीनियस है फिर से बोलता हूं अगर वो होमोजीनियस है उसको देख के आप आंख से पहचान नहीं सकते कि इसके अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं, तो वो कहलाता है सिंगल फेज लेकिन जब आप आंख से देख के पहचान लेते हैं कि इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं मिली हुई हैं तो वो कहलाता है मैनी फेज सिस्टम तो ध्यान रखिएगा एयर कैसा है जी सिंगल फेज सिस्टम अगर कंटेनर के अंदर एन टू ओ टू टू गैस मिक्स की हुई है मिक्सचर लिया हुआ है तो भी कैसा क्या लाएगा सर सिंगल फेस सिस्टम आगे बढ़े चलिए फिर आगे अगला एग्जाम्पल रहेगा मिसिबल लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाए मिक्स हो जाए सोलेबल हो जाए मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स रिजल्ट इन टू होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर इज सिंगल फेस सिस्टम बच्चों जब भी आप दो या दो से ज्यादा आपस में घुलने वाले सोलबल लिक्विड्स लेते हैं और जब आप उनको मिक्स करते हैं तो आपस में घुल जाएंगे और घुलने से आपको मिलेगा होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन और आप जानते हैं कि अगर आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो सिंगल फेस सिस्टम होता है मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं आपने अल्कोहल लिया मिथेनॉल ले लीजिए या फिर इथेनॉल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए बताइए दोनों क्या है दोनों लिक्विड है ना अब दोनों को मिक्स कर दीजिए मिक्स करने के बाद इथेनॉल और वाटर या मिथेनॉल वाटर जो आपका मन करे किसी एक एल्कोहल को आपने पानी में घोल दिया है अब आप आंख से देखिए और पहचान कीजिए कहां पे है आपका मिथेनोल कहां पे है आपका वॉटर क्या आप पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते हैं आपको पूरा का पूरा लिक्विड एक जैसा दिखाई पड़ेगा पूर पूरा का पूरा सोल्यूशन एक जैसा होगा आंख से कोई भी नहीं पहचान सकता है तो यह सिस्टम कहलाएगा आपका यह एक्वास मिक्सचर या सॉल्यूशन कहलाएगा आपका होमोजीनियस और इसके अंदर फेस कितनी होगी सर सिंगल एक तो यह सिस्टम कहलाएगा आपका सिंगल फेस सिस्टम और लेते हैं एग्जाम्पल आपके लिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं नॉन मिसिबल लिक्विड्स बच्चों नॉन मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में डिजोल्व ना हो सोलेबल ना हो आपस में ना घुले ऐसे लिक्विड कहलाते हैं नॉन मिसिबल मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन मिसेबल लिक्विड गिव हाइट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड वाटर क्लोरोफॉर्म एंड वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू फेस सिस्टम ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सर है जिसके अंदर जो लिक्विड आपने मिक्स किए हैं वो आपस में घुलते नहीं है नॉन मिसेबल है तो वहां पर यह मिक्सचर कहलाता है मैनी फेज सिस्टम क्योंकि यहां पे आपका जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होगा हेट्रोजीनियस यानी उसके अंदर एक से ज्यादा फेज होंगी जिनको आप आंख से देख के पहचान सकते हैं और आप जानते हैं कि जब सिस्टम में आप आंख से देख के पहचान सकते हैं तो वो कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम बच्चों एग्जाम्पल की अगर बात करें मिक्सचर ऑफ बेंजिन एंड वाटर अगर आपने पानी के अंदर बेंजिन को मिक्स कीजिए खूब अच्छे से शेक कीजिए और छोड़ दीजिए कुछ देर के बाद आप बेंजीन और वॉटर की लेयर को अलग अलग देख सकते हैं वॉटर नीचे हो जाएगा बेंजीन ऊ की लेयर ऊपर दिखाई पड़ेगी तो आप बताइए जब आप ऐसे मिक्सचर को क्योंकि दोनों कैसे हैं बेंजीन और वाटर नॉन मिस्सेबल है आपस में घुलते नहीं है तो आप देख के आंख से पहचान सकते हैं कि कंटेनर के अंदर दो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है और जब एक से ज्यादा लेयर दिखाई पड़ेगी तो ऐसा मिक्सचर कहलाएगा हाइड्रोजीनियस क्लियर हुआ कितनी लेयर दिखाई दे रही है दो किस किस की बेंजीन और वाटर की तो क्या बोलेंगे टू फेस सिस्टम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर क्लोरोफॉर्म और वाटर का ये भी कैसा होता है सर यहां भी क्लोरोफॉर्म वाटर में मिक्स नहीं होता है तो ये कहलाएगा टू -फेस सिस्टम अरे छोड़िए इन सबको ये बताइए बचपन में जरूर आपने किया होगा पानी के अंदर तेल को मिक्स किया होगा है ना किया था ना सबने तो बताइए मुझे क्या वहां पे तेल पानी के अंदर कभी मिक्स हुआ है क्या कभी मिक्स होगा नहीं हुआ था नहीं होगा क्योंकि दोनों कैसे है घुलते नहीं है क्लियर है ना तो यहां पर पानी आपको अलग दिखाई पड़ेगा तेल आपको अलग दिखाई पड़ेगा और सिस्टम चला जाएगा सर टू फेस सिस्टम में क्योंकि ये हाइड्रोजीनियस है और यहां पे दो लेयर आपको साफ दिखाई पड़ रही है क्या ये क्लियर है आपको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल लेंगे एक्वस सोल्यूशन मिक्सिंग ऑफ सोलेबल सोलिड इन वाटर कॉजिस होमोजीनियस सोल्यूशन और सिस्टम एग्जाम्पल एक्वल सोल्यूशन ऑफ सुगर सोडियम क्लोराइड आर वन फेस सिस्टम ध्यान रखिएगा अगर आप वॉटर के अंदर सोलेबल सोलिड को घोल देते हैं तो ये जो मिक्सचर बनेगा आपका ये होमोजीनियस इन नेचर होगा सिस्टम आपका होमोजीनियस कहलाएगा मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ पानी आपके पास है, है ना जी पानी के अंदर चीनी को घोल दीजिए तो जब आप चीनी घुल जाएगी तो आप तो क्या मैं अभी पहचान नहीं पाऊंगा दूर से देख के कि उस पानी के अंदर चीनी घुली है या नहीं घुली है क्लियर हुआ अब उस चीनी वाले सुगर सॉल्यूशन के अंदर आप थोड़ा नमक और मिला दीजिए है ना नमक घोल दिया तो आप बताइए कि आप अगर ग्लास के अंदर मैं पूछता हूं कितनी चीजें घुली हैं तो आपका आंसर क्या होगा सर पानी में नमक और चीनी घुली है अब दूसरा आदमी बुला लीजिए और उससे कहिए कि भाई आंख से देख के बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर या इस ग्लास के अंदर आपको कितनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो बताइए बताइए आंसर क्या होगा उसका आंसर होगा सर इसके अंदर केवल पानी भरा हुआ है है ना यही होगा ना क्यों क्योंकि जो वहां पे मिक्सचर आपके पास है जो आपका सिस्टम है वो कैसा है वो होमोजीनियस है वहां पर आंख से देख के अगर आप कोई तो वहां पे उसको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी केवल वाटर दिखाई पड़ेगा तो ये बताइए अगर आपका सोलिड जो है वो है वाटर में तो जब आप उसको मिक्स कर देंगे तो जो आपका मिक्सचर होगा वो कैसा होगा सिंगल फेज सिस्टम क्लियर है अगला एग्जाम्पल है जी मिक्सचर ऑफ सोलिड्स चले आइए हाँ इसको भी जानते हैं इफ सोलिड ऑफ अर हैिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज देन इट सिस्टम एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एलोक्ट्रोप्स ऑफ सल्फर अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सुलिड आपने मिक्स किए हैं उन सारे सोलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रोपर्टी सेम है तो ये मिक्सचर क्या लाएगा मैनीफे सिस्टम एग्जाम्पल रहेगा मिक्सर ऑफ एलोक्ट्रोप ऑफ सल्फर आप जानते हैं कि सल्फर जो है वो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है उसके अलग अलग एलोट्रोप होते हैं तो आपने क्या किया एक मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर के अंदर आपने सल्फर के दो एलोट्रोप को मिक्स कर दिया एक मोनोक्लिनिक है एक रोम्बिक फॉर्म में है अब आप मुझे बताइए कि सल्फर जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है और जो रोम्बिक सल्फर है इनमें फर्क क्या है सर दोनों का केमिकल फॉर्मूला सल्फर होगा इट मीन्स केमिकल नेचर सेम है क्लियर है लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिकल फॉर्म की तो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक होने से जो इनकी शेप होगी जो इनकी अपियरेंस होगी जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी ये आप इनको आंख से देख के अलग अलग पहचान सकते हैं और जब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो मिक्सचर कैसा बन जाएगा सर हेट्रोजीनियस याद रखिएगा एलोक्ट्रोप्स का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है और उसके अंदर जो फेजेस होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है मैनी फेज सिस्टम कहलाता है तो अगर आप बताइए आपके पास जो सुलड का मिक्सचर उसके अंदर मोनोक्लिनिक सल्फर और रोमिक सल्फर है तो वहां पे कितनी फेज होंगी सही जवाब टू फेज सिस्टम कहलाएगा ये अब इसके अलावा एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है मिक्सचर ऑफ सोलिड्स के लिए उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सोलिड्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज देन इट विल बी आल्सो मैनी फेज सिस्टम एग्जांपल डी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ क्लोज कंटेनर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास जो सोलिड्स का मिक्सचर है उसके अंदर सारी जो सोलिड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है यानी इस बार फिजिकल और केमिकल दोनों अलग अलग हैं तो वहां पे ये जो मिक्सचर रहेगा सोलिड का ये कहलाएगा मैनिफेस सिस्टम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सोलिड इज इन एकबरियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सोलिड प्लस यो गैस बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर तीनों तीनों कंपाउंड की बात करें तो तीनों कंपाउंड में एक तो हमारा गैसिय सीओ तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों अलग अलग होंगी अगर बात करें कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों सोलिड हैं लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अलग अलग हैं तो अगर मैं बात करूं कि भाई बताओ यहां पे इस सिस्टम के अंदर आपको कितनी फेज दिखाई पड़ेंगी तो सर यहाँ पे आंसर होगा कि ये आपका थ्री फेज सिस्टम कहलाएगा क्योंकि तो बच्चों आज हमने जाना फेज रूल क्या होता है फेज रूल किसने दिया और फेज रूल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है हमने जाना कि फेज रूल का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू फिर हमने जाना कि फेजेस क्या होते हैं बच्चों ध्यान रखिएगा किसी भी सिस्टम में किसी भी एग्जांपल में आप नंबर ऑफ फेजेस इजीली निकाल सकते हैं बस आपको मूल मंत्र आपको की पॉइंट याद रखना पड़ेगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम जब भी आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है तो बस ये दो चीज आप पहचान लीजिए कि उसकी नेचर कैसी है क्या वो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है होमोजीनियस है तो सिंगल फेज होगा हेट्रोजीनियस होगा तो मल्टी फेज सिस्टम होगा वो फुली आपको क्लियर हुआ होगा और हां जाते जाते अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में